तो आज का हमारा वीडियो यहाँ से शुरू होता है। अभी रात का बज रहा है 8:30 और ये है मेरा खाना। मैं ना इसी कमरे में जाके बैठ के खाऊंगा भाई, कोई और ऑप्शन नहीं है मेरे पास। चारों तरफ देखो क्या हालत है कमरे का, और इसी बीच में मैं खाने वाला हूँ खाना। भाई इस टाइम में ना यहाँ पे कोई दिख नहीं रहा है, सब अपने काम में मस्त है, बस मैं यहाँ अकेले बैठा हुआ हूँ। तो अभी खाना पीना सब कुछ हो चुका है। यहाँ पे देखो एक लड़की खड़ी है, और दूसरी कहाँ गई? ये चलो भाई एक काम करना है, मेरा खटिया लेके आना है। तुम आज घर से बेघर हो गए? अरे बेघर नहीं हुआ बेवकूफ, मेरा घर अभी भी वैसा ही है, इसी कबाड़ में सोऊंगा मैं भाई, इतना सोचो मत। बस चलो अब मेरा खटिया लेके आना है भाई। ये लोग बहुत ज्यादा टाइम पास कर रहे हैं और मुझे सोने में बहुत ज्यादा देर हो रहा है। चलो ना यार अंकल, वहाँ खटिया रखा क्यों था भाई? वैसे से एक वो गाना याद आया, सरकाई लो खटिया जा रहा है, सरकाई लो खटिया जा रहा है। तो हम लोग यहाँ पे खटिया लेने के लिए आए, तो रामराज जी देखो क्या कर रहे हैं। भाई खटिया ले जाओ इनको। नहीं नहीं आप आग जलाइए, हम थोड़ा सा आग सेक के जाएंगे, क्योंकि ठंड आपको ही थोड़ी हमको भी लग रहा है। देखिए नहीं नहीं क्यों, आप लोग जाइए, आप लोग अपना बिस्तर धरिए, मैं अपना बिस्तर धरूं। नहीं नहीं बिस्तर कहाँ है आपका? अच्छा जब तक अगवा जलेगा तभी तक न गर्मी रहेगा, फिर बुझ जाए तो ऊपर वाला है, ऊपर वाला तो सीट ऊपर बुला ऊपर वाले से आपका डायरेक्ट संपर्क है। पतला वाला लकड़ी रख, शुभम पतला वाला पतला लकड़ी रख। क्या बोला आपने अभी? जिंदगी होगा झंड तो उड़ाएंगे पतंग। तो भाई साहब आग ने धोखा दे दिया है, इन्होंने बहुत मेहनत से सब कुछ किया, लकड़ी रखा, अब अंदर वाला जो आग था वही बुझ गया, तो अब तो भाई कुछ भी नहीं हो सकता है। आपको बहुत शान था ना, हम लोग को भगा रहे थे कि आग आग आग, अब आपका ही आग आपका नहीं रहा। मजा आ गया। देखिए आपका आग गया, कैसे आग चला जाएगा? हाँ तो जला लीजिए, हम भी यही हैं, आप भी यही हैं। क्योंकि नवरात्रि का समय है, पूजा पाठ का माहौल चल रहा है, तो अपना जितना भी ओढ़ना बिछौना था सब बेचारे धो दिए, धो के डालना भूल गए, धूप में सूखा नहीं है, भीगा हुआ है, क्या ओढ़ेंगे रात को, क्या करें, उसी से बचने के लिए आग जला रहे हैं। देखो ये अब बदमाशी ना करा लोग, खाने वाला चीज है ना, पैसा से खरीदा गया है भूसा, तो इसलिए तो लाख प्रयास के बाद भी यहाँ पे आग नहीं जल पा रहा है, और रामराज जी को आ रहा है गुस्सा, क्योंकि सारा माचिस ये खराब कर रही है। धीरे धीरे करके बारी बारी से ले, देखा देखा माचिस लेके भाग गए अब, क्योंकि वो माचिस भी नहीं रहेगा। हमरा यही माचिस से रात भर तापना है यार। वो दो रोटी संभाला नहीं जा रहा है हमको, तुम हमसे खटिया संभालवाओगे? अकेले उठा ना लो बाहुबली की तरह। पिछली बार हमको पानी मार के जगा दिया था। अरे भाई चल ना पानी मार, इतना पहले की बात आप काहे कर रही हो? काहे नहीं करेंगे, चलो बैठा दो यूट्यूब को। आइए बैठिए भाई। नहीं यार वो बहुत डेंजर हो गया, उसे पंगा मत लो। आ जा यूट्यूब, ओए अपने आप आ गया, चल उठा ले पूजा। भाई पागल हो, हाँ हाँ बैठ गया बैठ। उठा जा हल्का होगा ये। अब चलिए मेरे सोना। अरे वाह मेरा यूट्यूब बेटा, अरे वाह बेटा, अरे वाह। चलो उठाओ शिवम, पगला गई हो क्या? चलो हटो हटो। ए खटिया का आखिरी तार है, वो तो जो तोड़ रहा है। पूजा कैमरा पकड़ो, चल हट। चलो लो ना, लो तो देखो। चलो ना, तीन रोटी वाली निकल गया इसका। चढ़ ले ले। अब वो सोच रहा है कि अच्छा खासा तो झूल रहा था मैं। आए हाय हाय हाय, गिनी जिंदा हो। YouTube के मुंह पे हमने वो गुस्सा आ गया।
गया। लग गया क्या? YouTube उस पे मजा लेना है भाई, बैठ के लड़के ने झूले का स्वाद चख लिया है, अब छोड़ेगा नहीं। शिवम गया अब। अब YouTube बहुत हाई पावर कुत्ते में। YouTube क्या बोल रहा है? YouTube फिर गुस्सा गया, बहुत तगड़ा वाला। शिवम अगर तुम इसमें म्यूट नहीं करोगे, ओरिजिनल डाल दोगे ना। तो भाई पापा ने मना कर दिया, बोला कि इसमें खटिया मत लगाओ, पता नहीं क्यों। तो अभी मैं ना पापा के सोने का इंतजार करूंगा, जब वो सो जाएंगे तब मैं इसमें खटिया ले आऊंगा और तब मैं सोऊंगा। अभी फिलहाल हम लोग खटिया इसमें नहीं लगाएंगे। कुछ दिन पहले आपने देखा था जब मेरे रूम में काम हो रहा था, तब मेरी नींद चैन सुकून सब हराम किया गया था। आज वो कहते हैं ना, दुनिया गोल है, मौका सबको मिलता है, कुत्ते का भी दिन आता है, तो आज कुत्ते का दिन आ गया। इस कुतिया का दिन आ गया। चुप। तो शिवम पांडे को अपने रूम में बैठे हुए देखकर मुझे हो रही है खुजली, और वो सोएंगे कहाँ ये मुझे नहीं पता, लेकिन मैं अभी अपनी खुजली मिटाना चाहती हूँ और इस क्राइम में गिन्नी पांडे मेरा साथ देंगे। आपको करना ये है कि आप कैमरा लेके बस घुस जाइए, ठीक है, ताकि लोगों को पता चले कि बदला कैसे लिया जाता है। चलिए कैमरा लेने के लिए तो हम रात के 1 बजे 2 बजे 3 बजे सुबह के 4 बजे तैयार हैं। ठीक है, अब आप ये मीठी इमली रख दीजिए, लोग नहीं तो परेशान हो जाएंगे इमली के स्वाद से। तुम उसका ध्यान भटकाओगी रूम के अंदर, हमको मत बताओ कि क्या करना है। चलो भरिए भरिए पानी भरिए अच्छे से। अरे यार नल टूट जाएगा यार, नीचे रख के भरो। चलो उसने तो पहले मिशन वाटर। हमको तो मनोरंजन के लिए कभी भी बुला लो, हम हमेशा हाजिर रहते हैं। शिवम बेचारा अपने टूटे हुए मकान में सो गया। पापा सो गए? पापा सो गए? तो खटिया ले आते हैं। चलो ले आओ, पहले एक मिनट सुनो, इधर देखो। शिवम के कमरे का ये हाल है बेचारे का, मुझे ये देख के ना बहुत ज़्यादा ही बुरा लग रहा है। शिवम आपको कैसा लग रहा है कमेंट बताइए, ज़रूरी देर बताइए। पूजा दीदी भी आ गई, नहीं नहीं शिवम इधर देखो, एसी के ऊपर ये जो रखा हुआ है ना। शिवम बैठो। फंस गया ओबामा, फंस गया। पानी लाते तुम मम्मी को फिंगा दिया रे। हमको भी ठंडा लग रहा था बहुत उस दिन। अरे बहुत ठंडा लग रहा है। हमको सिर्फ फायर इसी रूम में बंद करेंगे, ठंडा लग रहा है। नहीं ऐसा मत करो। कैसा लग रहा है आपको? अरे मत करो, तार तूर है पूजा दी। यार ये नहीं करना चाहिए था पूजा दी को, हमको तो बोली कि बस कैमरा लेके अंदर जाओ। शिवम बंद कर रही है ये। मत करो भाई, बहुत ठंडा लग रहा है। हाय रे हाय बेचारा, यही सुखा होगा क्या शिवम? मुंह पे कपड़ा मार डाल। यार ये गीला पूरा हो गया यार, मेरे रूम में कल टाइल नहीं लग पाएगा, ये गीला हो जाएगा। नहीं नहीं वो उससे कोई दिक्कत नहीं होगा, उससे कोई दिक्कत नहीं होगा सच में। बेचारे का हाल देख लो, रात के 11 बजे पूजा दी ने क्या कर दिया। बस करो मत छुओ उसको, करंट हो जाएगा नहीं तो। चलो बाहर चलो। पहले नहीं सोचा कि करंट हो जाएगा, मुझे पता ही नहीं था ये सब कुछ। कैमरा उठा के देख लेना। अच्छा पूजा ध्यान रखना, इसका क्या करूंगा फिर मैं? क्या करोगे? बराबर हो चुका है, कोई क्या नहीं करोगे क्या? तुम कर चुके थे करके, और उसका कहोगे सजा माफी 4 दिन बाद। जिस दिन क्राइम याद आता है उसी दिन सजा दिया जाता है, समझे ना। कितना निचोड़ोगे यार तुम पानी, कितना निचोड़ोगे? याद रखना पूजा, कुछ गड़बड़ हुआ ना तो
चूहा से टाइल कटवाओगी? वाह, तुमको नहीं पता है मेरा दिल्ली में ना मुखर्जी नगर वाला रूम चूहा काट देता था, लोहा का गेट है। अभी भेद कहाँ हुआ तुम लोग ऐसा ऐसा चूहा से? देख लो मम्मी, तुम्हारे आंखों के नजर में क्या क्या हो रहा है, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। फसाओ मत ज्यादा, दे मारेंगे यही बाल्टी तुम्हारे मुंह पे। अभी मेरे मुंह पे मारोगी? देख लो है, ज्यादा बनो मत। आई बस समझ में? देख देख देख, ये दूसरे बार लेके आई है शिवम, देख थोड़ा सा पानी, ये दोबारा लेके आई है। इधर वायरिंग है यार, बदतमीज। चदर की कमीज, वायरिंग है तो उसमें खुला था। ये गंदा सीमेंट लग गया है यार, मुंह पे दे मार। मेरा साफ सुथरा है, नहा के आए। मत करो यार, वहां वायरिंग गिर गया, इसलिए बुरा लगा कि वायरिंग पे लग गया। नहीं देता इतना आसानी से। खाली मेरा अगर कमरा कल होने के बाद सफाई नहीं हो पाए तो देखना तुम लोग। चलो हटो यार, बता के खत्म, पूरा उखड़ लोगे। ठंडा लग रहा है तो कंबल ला दें जगह जगह पे। ओए ओए ओए, रामराज जी का क्या दिमाग है, मतलब आग जला के रखे हैं। चल तो चल रहा है। पूजा दी क्या कर रही हो? तेरी तो कैसी आग तपने नहीं है। चलो आग तापने चल रहे हैं ना। मेरे लिए कोई आग जलाया था क्या? कर क्या रही हो तुम, हैं कहाँ जा रहे हो तुम इतनी जल्दी में? अरे ताला बंद कर दी है ये, ताला बंद कर चुकी है। पागल हो क्या? दो चाबी भाई, चाबी जाके देंगे। हट, कह रही है जब मेरे पे पानी फेंका था तो किसी ने आग जलाया था। दो बजे तुम लोग मेरा जीना हराम किए थे ना, मेरा बेड वेड सब भिंगा दिए थे। तुम्हारा उससे ठंडा नहीं था, नहीं नहीं शिवम नहीं था तुम्हारे कह देने से। चार दिन पहले हुआ है आज से, चार दिन पहले नहीं, 20 दिन हो गया उस बात को, 2 साल हो गया। नहीं नहीं सुनो 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 सुनो, रात के 1 बज रहे थे, 2 तो नहीं बज रहे थे यार, हमने टाइम भी 12 बजने वाला था, 12 बजा भी नहीं था ढंग से। जो भी हो, बारिश का माहौल था, पूरा मौसम ठंडा था जब तुम लोग हमको बिंगाए थे, उसी वक्त सोचना चाहिए था ना। हम तो कुछ खुलो नहीं करेंगे। दे दो, पूजा दी ठंडा लग रहा है इसको, ठंडा लग रहा है यार। पहले एक्सेप्ट कर कि 2 बार जो पादा है तू नहीं पादा है। क्या 2 बार जो पादा है तू नहीं पादा है? ब्लेम करना वो करो, ठीक है? रिपो पे पूजा का कसम खा के बोलता हूं, देखो हंस लिया, हंस लिया मुंह छिपा के। जो क्या आ गया इसकी दोबारा भी भिगा सकते हैं, नहीं सुना आप? जल्दी जल रहा है, हां जल रहा है, जल रहा है, जल रहा है। उरी बाप रे बाप, वाह राहत मिला, राहत, मजा आ रहा है ना? बैठ जाओ बैठ जाओ, कुर्सी पे बैठ जाओ, तुम्हारे लिए कुर्सी लगवाए हैं। वाह वाह वाह, लगता है मेरे लिए ही आग जला था, लगता है मेरे लिए ही आग जला था। हम आधा भीग गए, वो अलग, हम तो नहीं काम रहे ठंडा से। हाँ तो मेरे जैसी एक्सपर्ट थोड़ी ना हो तुम, मस्त मजा आ गया, तुम गीली हो गई। देखो पीछे रामराज जी है, लकड़ी में इसका भी बदला होगा। शिवम चाहता है क्या? शिवम रामराज जी का तो होगा भाई, अब ये दे मारेंगे पानी दोबारा। मेरे साथ तुमने ये करने का हिम्मत भी कैसे किया? तुमने मेरे साथ उस दिन कैसे हिम्मत किया था? कैमरामैन का कोई बात ही नहीं सुनता है। ये क्या बोल रही हो? कह रहे हैं कि रामराज जी लगता है पूरी रात लकड़ी ढोते रह जाएंगे। आप पूरी रात लकड़ी ढोने के मूड में है क्या? पता नहीं कैसा कैसा लड़का है ये, पता नहीं किसका किसका फोन आ गया अभी। आप सोएंगे नहीं क्या? आप इनका सच में ये घर से बेघर हो गए क्या, जो ऐसे मदहोश बैठे हुए हैं? तुम अपने साथ ले जाओ इनको, घर से बेघर हो गए हैं। क्यों अब यहाँ कैसे बैठे हो? सोई है, नींद आएगी तो सो जाएंगे। पापा की ऐसी दोस्ती है ना कि हमको बहुत दुख होता है इससे। काहे भाई पापा सोएंगे तभी जाऊंगा खटिया लेके मैं। वो कह देते हैं ईमान जाते हैं, अब रात में रुकने का क्या जरूरत है, चले जाते। अच्छा कल से, कल से एकदम रेगुलर कंटिन्यू। एगो टॉर्च में खाली दुगो बैटरी डलवा दी है, सारे के 9 बज जाएगा रात तो चले जाएंगे। ना ना साइकिल देते हैं आपको खरीद के, रुकिए ना दे दे, बाकी गिर के नहीं
मुहना टूट गई तो चलो। अरे तो दो घंटे जो आप चल के जा रहे हैं पैर से, हाँ, हाँ, पंद्रह मिनट पहुंच जाएंगे घर आ जाएंगे। हाँ, तो 18 इंच की साइकिल चाहिए, इससे ज्यादा तो हम बच्चा वाला साइकिल देंगे आपको, 3 चक्का भी नहीं कीजिएगा। 3 चक्का वाला तो विकलांग का होता है, विकलांग है थोड़ी है भाई। अभी यहाँ पे पब्लिक लोग फिर बोलेंगे कि क्यों हंस रहे हो। ना ना, आदमी के लिए भी आता है उसमें 3 चक्का नहीं रे, वो 4 चक्का होगा। 4 चक्का, 4 पहिया वाला जो बच्चों के लिए होता है। राणा जी का हाइट बच्चों से कम थोड़ी है। मैं जा रहा हूँ, बहुत अत्याचार कर दिए। आप सेक लो थोड़ा सा। कितना देखो देखो इधर, कितना बड़ा साइकिल मांग रहे हैं। कितना बड़ा? तुम्ही को लाना है ये लड़का। कितना बड़ा? अच्छा, मिल जाएगा। ज्यादा ऊंचा हो गया, ऊंचा हो गया वो। चौथा क्लास का बच्चा जो चलाता है वही साइकिल देंगे आपको, चिंता मत कीजिए। शरीर भी तो देखो कितने मजबूत है, मुश्किल से 15 किलो वजन होगा इन्हें। मजबूत बोल रही हूँ, हमको लगा कह रही हूँ, शरीर भी तो देखो कितने छोटे हैं। शिवम चला गया सोने, और हालांकि मेरा भाई गया सोने तो मैं भी जा रही हूँ सोने, उसके बिना तो मेरा दिन रात। अरे ए दोस्त, ए दोस्त, दोस्त, अरे तुम्ही को बोल रहे हैं, कीप योर फोन एंड गो। अभी इसने क्या हरकत किया था देखो, अभी लगवा रही है। पापा सो गए तो खटिया लग रहा है, मैं यहीं सोऊंगा। टाइम पे लग रहा है, कम से कम इज्जत के साथ सो जाओगे। हाँ भाई ठीक है, बस बस इधर मत चिपकाओ मत। खटिया देखो कैसे फटा हुआ, यही आज देखो कैसा दिन आ गया मेरा यार। वाह, कल से राजा बन के पलंग पे सोना आपने? अरे यहाँ पे सब मिस्त्री भैया लोगों का सब कुछ देखो पड़ा हुआ है। वैसे तुम्हारे लिए पलंग से ज्यादा महंगा ही खटिया है, बनवाने जाओगे तो उससे ज्यादा एक्सपेंसिव बनेगा ये। तो अभी रात हो चुका है और मैं जा रहा हूँ सोने। तो अभी सुबह हो चुका है और इधर कमरे का हालत अभी भी कली जैसा है। तो अभी सुबह का बज रहा है 7, और 7 बजे देखो कितना कड़क वाला धूप हो चुका है। और मेरे हाथ में चाय इसलिए नहीं दिख रहा है क्योंकि अब मैंने प्लान किया है चाय छोड़ने का, और सच में मैं छोड़ ही दूंगा, स्पेशली सुबह में तो नहीं पीऊँगा। अभी मैंने थोड़ी देर पहले जूस पिया है भाई, और देखते हैं कि चाय का ज़रूरत पड़ता है या नहीं, वैसे पीऊँगा तो नहीं मैं। तो फिलहाल हमारा आज का ये वीडियो होता है यहीं पर समाप्त। आपसे मिलते हैं दोबारा एक नई वीडियो के साथ। धूप बहुत कड़क है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।